हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में सीखेंगे डबल एक्सपोजर फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह एडिटिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाना है, और यहाँ से इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज से इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद अब चलना है नीचे की तरफ ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे आने के बाद अपनी फोटो को ऐड करना है। फोटो ऐड होने के बाद इसे जूम कर लेना है, और कुछ इस तरह से इतना एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद यहीं पर से साइड एडजस्टमेंट पे जाना है, और इसके ब्राइटनेस को -50 तक कर लेना है। सैचुरेशन को भी कम कर लेना है फुल, और इस हाईलाइट को कम कर लेना है, और कॉन्ट्रेस्ट को भी कर थोड़ा बढ़ा लेना है। तो इसे कर देना है डन। डन करने के बाद यहीं पर से साइड में क्लिक करना है, और ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पर क्लिक होने के बाद अब एक बैकग्राउंड के फोटो को ऐड करना है। ऐड होने के बाद इसे जूम कर लेना है अपनी फोटो के ऊपर परफेक्टली, और जूम करने के बाद अब चलना है इसकी ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसी ब्लेंडिंग को कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद यहीं पर साइड में क्लिक करना है, और फिर से ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे आने के बाद अपनी सेकंड फोटो को ऐड करना है। ये ऐड होने के बाद इफेक्ट्स पे जाना है, और यहाँ से कलर्स वाले पे चलना है, और ब्लैक एंड वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब इसकी ओपेसिटी को 50 तक कम कर लेना है, और इसे नीचे की तरफ फोटो में एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से साइड में क्लिक करना है, और ऐड फोटो पे चलना है, और यहाँ से एक लाइट के PNG को ऐड करना है, और इसके इफेक्ट पर जाके कलर्स पे जाना है, और कलराइज वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करके इसे डन कर देना है ताकि इसका कलर चेंज हो सके। इतना होने के बाद ब्लेंडिंग पे जाना है, और इसकी ब्लेंडिंग को भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे जूम करना है, और ऊपर की तरफ हेयर्स के पास इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह एडजस्ट करना है ताकि हेयर की एजेस पर रहे, और इसे यहाँ से कर देना है डन। डन होने के बाद अब चलना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इफेक्ट्स पे आना है, और यहाँ से एपेक्स पे ही आना है, और सबसे लास्ट में आना है विग्नेट वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को फुल कर देना है, और फेड को 80-90 के बीच में एडजस्ट कर लेना है, और इसे कर देना है डन। डन करने के बाद हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।